हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के बारे में। जैसे कि हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, जैसे मान लेते हैं ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है एंड दिस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कंटेन्स अ वेक्टर। लेट अस से इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक वेक्टर है और इस वेक्टर का नाम है ए, और इस वेक्टर का जो डायरेक्शन है इसने एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रखा है। ठीक है, तो इस वेक्टर का नाम ए है, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ होगी दिस विल बी कॉल्ड द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे, यहाँ से आप परपेंडिकुलर अगर आप ड्रॉप करें तो हम ऐसे देख सकते कि जो ये वेक्टर ए है ये दो वेक्टर के एडिशन से बना है। मतलब जो आपका ए वेक्टर है, ए वेक्टर मतलब अगर आप ज्योमेट्रिकली लिखेंगे सो ए वेक्टर मे बी रिटन एज, ए वेक्टर किन किन वेक्टर के सम से बनेगा, ट्राइंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन अगर आप लगाएंगे सो ए वेक्टर इज कंपोज्ड ऑफ ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर, इजंट इट। सिंस ए वेक्टर इज कंपोज्ड ऑफ ओ ए वेक्टर एंड ए बी वेक्टर, सो ओ ए एंड ए बी आर कॉल्ड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। तो ओ ए और ए बी को हम क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, क्योंकि आप देखिएगा कि जो ए वेक्टर है वो ओ ए और ए बी वेक्टर के सम से बना है ना। सो ओ ए को हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और ओ बी को बोलते हैं हम वर्टिकल कंपोनेंट। ठीक है, अब ज़रा देखिए, जैसे कि मान लीजिए कि मुझे ओ ए को निकालना है और ए बी वेक्टर को निकालना है, तो कैसे करेंगे। जैसे ओ ए वेक्टर है, आप ओ ए डिवाइडेड बाई ओ बी बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस में भी रिटन एज कॉस थीटा। तो बहुत इम्पोर्टेंट सी बात यह है कि जो ओ ए है ना, वो मुझे निकालना है और ओ बी, ओ से लेके बी इज़ द लेंथ ऑफ ए वेक्टर। तो आप इसको लिख सकते हैं ओ ए इक्वल्स ए कॉस थीटा। इसका मतलब इस वाले पर्टिकुलर कंपोनेंट को हम क्या लिख सकते हैं, ए कॉस थीटा। उसी तरह से अगर आपको ए बी निकालना है सो ए बी बाई ओ बी इज गोइंग टू बी साइन थीटा। इसका मतलब जो आपको मिलेगा ए बी इक्वल्स ए साइन थीटा। सो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो ए कॉस थीटा है, जो वर्टिकल कंपोनेंट है दैट इज ए साइन थीटा। समझ में आ गई बात। तो कहने का मतलब ये कि किसी भी वेक्टर को उसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। समझ में ठीक है, ये इतनी बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, तो एक बार मैं आपको इसको आप ब्रीफ कर देता हूँ, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बेसिकली रेक्टेंगुलर कंपोनेंट इसको क्यों बोलते हैं, अभी इस बारे में भी हम बात करेंगे। जैसे कि ये ए वेक्टर है ना, ए वेक्टर, इस ए वेक्टर को मैंने ओ ए वेक्टर लिखा है और साथ में क्या लिखा है, ए बी वेक्टर लिखा है ना के सम। इसका मतलब जो ए वेक्टर है दिस इज़ कंपोज्ड ऑफ ओ ए वेक्टर एंड ए बी वेक्टर। मतलब ए वेक्टर ओ ए और ए बी से बना है, इसलिए हम ओ ए और ए बी को क्या बोलते हैं, कंपोनेंट। किसके कंपोनेंट हैं ये, ए के कंपोनेंट, क्योंकि ये दोनों मिलके किसको बना रहे हैं, ए को। अच्छा, ओ ए क्या है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जनरली बोल लेते हैं, और ए बी क्या है, वर्टिकल कंपोनेंट। अब ज़रा देखिए ओ ए और ए बी को हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। तो मान लीजिए दिस इज़ बेसिकली एच कंपोनेंट, और यू कैन ऑल्सो से हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, दिस इज़ वर्टिकल कंपोनेंट। तो कहने का मतलब ये, अगर आपको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालना है सो ओ ए बाई ओ बी इक्वल्स कॉस थीटा, मतलब बेस बाई हाइपोटेनियस इक्वल्स कॉस थीटा। सो ओ ए क्या आएगा बेटा, आपका ए कॉस थीटा,
फॉर द सेम लॉजिक ए बी क्या आएगा, ए साइन थीटा। तो बहुत इम्पॉर्टेंट सी बात आप ये सीखिएगा, जैसे कि मतलब कुल मिला के जो बात आपको सीखनी थी वो ये सीखनी है, जैसे ये ए है, ये वाला एंगल थीटा है, तो आप ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉप करें और इस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को आप क्या लिख सकते हैं, ए कॉस थीटा, और इस वर्टिकल कंपोनेंट को आप क्या लिख सकते हैं, ए साइन थीटा। दैट्स इट, ये आपको सीखना है, ये बाद में बहुत काम आएगा, ठीक है। या अगर ये ए साइन थीटा है तो आप अगर देखेंगे ये जो पूरा फिगर ये रेक्टेंगल है ना, तो रेक्टेंगल की ये दोनों साइड्स तो इक्वल होंगे, अपोजिट साइड्स एज वेल एज पैरेलल होंगे। अगर ये ए साइन थीटा है तो इसको भी आप क्या लिख सकते हो, ए साइन थीटा। व्हाट आई मीन टू से, जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई एक वेक्टर है और उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 10 यूनिट और ये वाला एंगल है 30, है ना, तो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में क्या लिख सकता हूँ, 10 cos 30, और इसका वर्टिकल कंपोनेंट में क्या लिख सकता हूँ, 10 sin 30, ठीक है। नेक्स्ट, यूनिट वेक्टर के बारे में मैं बात करना चाहूँगा। ऑलरेडी इसके बारे में थोड़ी बात हमने कर रखी है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा और इसमें ब्रीफ लेते हैं। जैसे यूनिट वेक्टर क्या होता है बेटा, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई एक वेक्टर है ना, और इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड मान लीजिए, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 2 units। अगर इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 2 units है, तो इसको अगर मैं दो इक्वल पार्ट में बांटूंगा तो ईच पार्ट का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, 1 unit। उसी तरह से अगर मान लीजिए किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 3 units, तो इसको अगर 3 equal parts में मैं बांटूंगा तो हर पार्ट का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, 1 unit, ठीक है। तो कहने का मतलब ये कि जैसे मान लीजिए ये ए वेक्टर है, तो इसके 1 unit को क्या बोलते हैं, ए कैप, ठीक है। हर 1 unit को क्या बोलेंगे, ए कैप। इसका मतलब यहाँ पर ए वेक्टर को लिखा जा सकता है ए कैप प्लस ए कैप, दैट इज 2 a कैप। तो आपको एक मैं बात बताऊँ, 2 क्या है, उसका मैग्नीट्यूड है ना, 2 unit। ए कैप क्या है, ए वेक्टर का डायरेक्शन। उसी तरह से अगर ये वेक्टर बी है तो इसके 1 unit को हम क्या बोलेंगे, बी कैप। अगले 1 unit को क्या बोलेंगे, बी कैप। अगले 1 unit को क्या बोलेंगे हम, बी कैप। इसका मतलब ये होगा बी वेक्टर इक्वल्स होगा 3 b कैप। 3 क्या है, मैग्नीट्यूड, और बी कैप क्या है, इसका डायरेक्शन। कैसे लिखा है, बी कैप प्लस बी कैप प्लस बी कैप, ठीक है। तो 3 इज़ द मैग्नीट्यूड एंड बी कैप इज़ द डायरेक्शन। अब सवाल ये है कि इसको हम हर यूनिट पार्ट में क्यों तोड़ रहे हैं ना, तो इसका बहुत सिंपल सा जवाब है कि यूनिट पार्ट में अगर इस वेक्टर को अगर हम तोड़े, है ना, अगर ये यूनिट पार्ट बी कैप है तो इसका मैग्नीट्यूड कितना है, मैग्नीट्यूड कितना है, 1। और ये किसके डायरेक्शन में, एंड इट इज़ इन डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर। अब ज़रा सोचिए, किसी का भी अगर मैग्नीट्यूड 1 है तो उसको मैं किसी से भी मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, है ना। जैसे मान लीजिए 100 है, अगर मैं 100 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा, कुछ भी नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ये बी कैप का मैग्नीट्यूड 1 है तो मैं किसी से भी मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है। फ़ायदा क्या होगा, वो वेक्टर किसके डायरेक्शन में हो जाएगा, बी के डायरेक्शन में। क्यों, अगर देखिए जैसे ये बी कैप है, बी कैप है, बी कैप, जो बी कैप का डायरेक्शन होगा किसके डायरेक्शन में होगा, बी वेक्टर के डायरेक्शन में होगा। तो कहने का मतलब वेक्टर को यूनिट वेक्टर में तोड़ने, कोई भी वेक्टर है उसको हम यूनिट वेक्टर में क्यों तोड़ते हैं। पहली बात, यूनिट वेक्टर में इसलिए तोड़ते हैं सो दैट उसका मैग्नीट्यूड 1 आ जाए। दूसरी बात ये कि अगर उसका मैग्नीट्यूड 1 आ गया तो उसको मैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करूँगा। जैसे मान लीजिए ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर है ए कैप, इसको मैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करूँगा, वो फिजिकल क्वांटिटी ए के डायरेक्शन में आ जाएगी। समझ में आ रही है बात। तो कहने का मतलब यूनिट वेक्टर का, देखो अगर मैं कॉपी बुक लैंग्वेज की बात करूं, इट इज़ अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 1। ये एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1। और कैसे डिफाइन किया जाता है, मान लीजिए जैसे आपको ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है, तो ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर का नोटेशन क्या होता है, ए कैप। और किसी भी वेक्टर के, जैसे कि आप देखिए ये ए वेक्टर था, यहाँ पर 2 a कैप, इसका यूनिट वेक्टर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 2 equal parts में तोड़ेंगे, है ना। तो हम क्या करते हैं, किसी वेक्टर के यूनिट वेक्टर को डिफाइन करने के लिए उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से क्या करते हैं, हम डिवाइड करते हैं, सो दैट इसका मैग्नीट्यूड कितना जाए, 1। अब फ़ायदा क्या है, अगर मुझे ए वेक्टर के डायरेक्शन में कोई सा ही वेक्टर लिखना होगा तो मैं
ए वेक्टर की यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दूंगा। फॉर एग्जांपल जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है, मैं अगर आपको बताऊं, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है और जेड एक्सिस है। जनरली अगर आप पुरानी बुकें देखेंगे तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर को बोला जाता है एक्स कैप, वाई वेक्टर के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर को बोला जाता है वाई कैप और जेड एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर को बोला जाता है जेड कैप। लेकिन आजकल जो नई बुक आई है उसमें एक्स वेक्टर के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर को बोला जाता है आई कैप, वाई वेक्टर के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर को जे कैप और जेड वेक्टर के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर को क्या बोलते हैं हम, के कैप। एक बात याद रखिए, दोनों एक ही बातें हैं, है ना, एक्स कैप बोलिए चाहे आई कैप बोलिए, दोनों एक ही बातें हैं। तो कहने का मतलब ये कि अगर आप एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, मान लीजिए अगर किसी ने बोला कि अ फोर्स इज एक्टिंग अलॉन्ग एक्स एक्सिस एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज 10 यूनिट्स, तो आप उस फोर्स को लिख के दिखाइए। अच्छा, फोर्स किधर, फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है, 10 यूनिट्स, किधर लग रहा है वो, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, तो आप क्या लिख सकते हैं, एफ वैक्टर इक्वल्स 10 एक्स कैप, या फिर इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है एफ वैक्टर इक्वल्स 10 आई कैप। समझ में आ गई बात। तो दिस इज व्हाट द इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का आप याद रखिएगा, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1। और यूनिट वेक्टर डिफाइन क्यों करते हैं, किसी भी वेक्टर को किसी, मतलब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मान लीजिए ए वेक्टर के डायरेक्शन में लिखना है तो क्या करेंगे, उस फिजिकल क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड को ए वेक्टर के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट पोजिशन वैक्टर, है ना, कि पोजिशन वैक्टर क्या होते हैं। बहुत आसान चीज़ है ये, जैसे कि मान लीजिए ये एक्स वाई प्लेन है और एक्स वाई प्लेन में हमारे पास कोई पॉइंट है पी, है ना, ये एक्स वाई प्लेन में कोई पॉइंट है पी और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है एक्स कॉमा वाई। तो जनरली अगर आप समझेंगे तो रियलिटी में होगा क्या कि ये वाली डिस्टेंस होगी वाई और ये वाली डिस्टेंस क्या होगी, एक्स। इसका मतलब अब ज़रा देखिएगा, जो ये आपका ओपी वेक्टर बना, है ना, ओपी वेक्टर, ओपी वेक्टर क्या होगा, ओ ए वेक्टर प्लस ए पी वेक्टर। ठीक है, तो ओ पी वेक्टर, ज़रा देखिए ओ ए वेक्टर है ना, ओ ए, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ है वो क्या है, एक्स है। अब यहाँ से यहाँ तक की लेंथ क्या है, वाई है। अब मेरा कहना ये है कि ये एक्स वेक्टर को अगर मान लीजिए मुझे ओ ए वेक्टर को लिखना है तो ओ ए वैक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, एक्स, और इसका डायरेक्शन किसकी तरफ है, एक्स एक्सिस की तरफ, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, आई कैप। उसी तरह से जो ए पी वैक्टर है इसका मैग्नीट्यूड कितना है, वाई, और ये किस डायरेक्शन में, वाई एक्सिस के डायरेक्शन में, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, जे। तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, ये आ गया ओ पी वैक्टर। ठीक है, तो इसको ओपी वेक्टर को हम क्या बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर। कैसे, मतलब ओरिजिन से किसी भी पॉइंट को जॉइन करने से जो वेक्टर बनता है उसको क्या बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर। सो जनरली हम क्या बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर इज अ वेक्टर जॉइनिंग अ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन। ओरिजिन से किसी भी पॉइंट को आप ज्वाइन करिएगा तो आपको क्या मिलेगा, पोजीशन वेक्टर। ओके, अच्छा, अब एक चीज होती है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। जैसे मान लीजिए ये पॉइंट है ए, अगर मैं ए पॉइंट को ज्वाइन करूं तो मुझे ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर मिलेगा। ये पॉइंट है बी, अगर मैं B पॉइंट को ज्वाइन करूं तो मुझे B पॉइंट का पोजीशन वेक्टर मिलेगा। अगर मान लीजिए X का कोऑर्डिनेट है या A का कोऑर्डिनेट है x1, y1 और B का कोऑर्डिनेट है x2, y2, तो कहने का मतलब अगर आप ओ ए वेक्टर लिखेंगे, ज़रा देखिए ओ ए वेक्टर लिखेंगे तो आपको मिलेगा x1 i कैप प्लस y1 j कैप। अगर आप ओ बी वेक्टर लिखेंगे तो आपको मिलेगा x2 i कैप प्लस y2 j कैप। ठीक है, अब जरा सोचो, ये a का पोजीशन वेक्टर है, ये b का पोजीशन वेक्टर है, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, दो पॉइंट के बीच, दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाले वेक्टर को हम क्या बोलते हैं,
डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, अब ज़रा समझिएगा कि अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखना है तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये जा, इसको मान लेते हैं एस वेक्टर बोल देते हैं, ये कहाँ से कहाँ जा रहा है, ए से बी की तरफ, है ना। अब ज़रा देखो, अगर आप ट्राइंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाओगे सो ओ ए वैक्टर प्लस एस वैक्टर इक्वल्स क्या आएगा, ओ बी वैक्टर, है ना। ये ओ ए वैक्टर है, ये एस वैक्टर है, ये ओ बी वैक्टर है। सो एस वैक्टर क्या आएगा, ओ वी वैक्टर माइनस ओ ए वैक्टर। अगर आप देखिएगा तो एस वैक्टर आ जाएगा एक्स टू माइनस एक्स वन आई कैप, वाई टू माइनस वाई वन जे कैप। ठीक है, तो कहने का मतलब किसी भी पॉइंट को अगर आप ओरिजिन से मिलाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, पोजीशन वेक्टर। अगर मान लीजिए कोई पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई है तो पोजीशन वेक्टर क्या होगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। ठीक है, अगर यहाँ पर दो पॉइंट्स हैं ए और बी तो ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या आएगा, एक्स वन आई कैप वाई वन जे कैप, बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या आएगा, एक्स टू आई कैप वाई टू जे कैप। अब आपने करना क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना है, ए और बी के बीच का डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो क्या करोगे, देखिए ट्रायंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाइए, ओ ए वेक्टर ए बी वेक्टर, ठीक है ना, ये ए है ये बी है ना, ओ ए वेक्टर ए बी वेक्टर इक्वल्स ओ बी वेक्टर, है ना। तो ओ ए वेक्टर ये रहा और ये ए बी वेक्टर मतलब क्या, ए से बी तक जाने वाला डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इक्वल्स ओ बी वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या आएगा, ओ बी माइनस ओ ए मतलब एक्स टू माइनस एक्स वन आई कैप, वाई टू माइनस वाई वन जे कैप। ठीक है, कुछ सवाल सॉल्व करते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिक्स के हिसाब से। पहला सवाल है, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक इफ इट इज मूविंग, इफ इट ओनली मूव्स अलॉन्ग एक्स एक्सिस। मुझे क्या करना है, इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन निकालना है। ठीक है, मान लेते ये एंगल है 60 डिग्री। ठीक है, तो मुझे ब्लॉक का एक्सेलरेशन निकालना है, ये किस एक्सिस में मूव कर रहा है, एक्स एक्सिस में। अब ज़रा से सोचिएगा, वाई एक्सिस में नहीं मूव कर रहा है। तो कहने का मतलब इस सवाल को अगर आप सॉल्व करेंगे तो इस पर जो फोर्स लग रहा है ना, कितना लग रहा है, 10 न्यूटन। अगर 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में तो ब्लॉक को तो इधर मूव करना चाहिए था, लेकिन ब्लॉक किधर मूव कर रहा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। इसका मतलब इस फोर्स का जो इफेक्ट होगा वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा। अब कितना इफेक्ट होगा, उसके लिए हम क्या करेंगे, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। अब ज़रा देखिए, अगर मैं कंपोनेंट ऑफ वेक्टर का कॉन्सेप्ट लगाऊँ तो ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, एफ कॉस थीटा इनफैक्ट कॉस 60, और ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, वर्टिकल कंपोनेंट एफ साइन 60। अब इससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है, मुझे लेना देना किससे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से, क्योंकि ब्लॉक किधर मूव कर रहा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। एफ कॉस 60, एफ मतलब 10, कॉस 60 कितना होता है, 1/2, इसका मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है, 5 न्यूटन। अब ब्लॉक अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो एक्सेलरेशन भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही होगा ना, तो ये फोर्स किधर की तरफ आया, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो एक्सेलरेशन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन क्या होगा, फोर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन बाई मास। तो कहने का मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स कितना है, 5, और इसका मास कितना है, 10, सो 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर्ड इज द एक्सेलरेशन। ठीक है, फिर से एक बच्चों वाला सवाल, एग्जाम्पल नंबर 2, ए वेक्टर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप, बी वेक्टर i कैप प्लस 2j कैप, सी वेक्टर 2i कैप प्लस 7j कैप माइनस k कैप। उसने बोला कि ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर निकालिए ना। तो कहने का मतलब अगर आपसे ए प्लस बी प्लस सी पूछा गया है तो अब देखिएगा, ए वेक्टर की वैल्यू रखिए, बी वेक्टर की वैल्यू रखिए और साथ में सी वेक्टर की वैल्यू रखिए। ए वेक्टर क्या है, 2i 3j 2k, बी वेक्टर क्या है, आई कैप प्लस 2j कैप, और सी वेक्टर क्या है, 2i कैप प्लस 7j कैप माइनस k कैप। तो आप ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर की आप वैल्यू डायरेक्ट लिख सकते हैं। ज़रा देखिए कैसे, 2 और 1 3 और 2 5, 5i कैप प्लस 3 2 5 और 7, 12j कैप, 2, और यहाँ पर k कैप एबसेंट है तो कोई बात नहीं, 2k कैप माइनस k कैप क्या आएगा, k कैप। ठीक है, तो ये आंसर आएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। मैंने ये कर दिया है, ये आपके लिए होमवर्क है, करिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, जो कि आपको आगे काम भी आएगा. इसमें बोला है अ पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ एट अ कॉन्स्टेंट स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड, है ना. एक पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकेंड एंड इट टेक्स 2 सेकेंड्स टू कवर क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल. ये फर्स्ट पार्ट है. सेकेंड पार्ट क्या है, 1/6 ऑफ अ सर्कल. कहने का मतलब ये कि अगर मान लीजिए एक पार्टिकल है ना, वो यहाँ पर है ना, स्पीड इसकी 10 मीटर पर सेकंड है यहाँ भी, और यहाँ भी इसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड है. अब आप ज़रा देखिएगा कि दोनों जगह स्पीड तो सेम है, ठीक है, और क्वाड्रेंट को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है. व्हाट इज़ टाइम इलेप्स टू कंप्लीट द क्वाड्रेंट, 2 सेकेंड्स, ठीक है. और दूसरे केस में बोलता है कि सर्कल का 1/6 कंप्लीट कर रहा है. फिलहाल हम पहले पार्ट को कर रहे हैं, ठीक है ना. उसने बोला कैलकुलेट द एक्सेलरेशन. बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि एक्सेलरेशन 0 आएगा, क्योंकि वेलोसिटी तो चेंज हो ही नहीं रही है ना, तो एक्सेलरेशन क्या आना चाहिए, 0. ऐसा नहीं है. मेरी बहुत छोटी दलील ये है कि अगर देखिए यहाँ पर एक्सेलरेशन का डायरेक्ट, वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर है, वाई के अलोंग. यहाँ पर वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर है, नेगेटिव एक्स के अलोंग. तो कहने का मतलब भले ही स्पीड चेंज ना हो रहा हो, लेकिन वेलोसिटी के पास तो अपना डायरेक्शन होता है ना, तो कंटिन्यूसली वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है. तो कहने का मतलब अगर मैं इसको इनिशियल वेलोसिटी मानूं और इसको मैं फाइनल वेलोसिटी मानूं, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी है 10 और किधर की तरफ है, जेकैप की तरफ. फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 10 और किधर की तरफ है, माइनस आई कैप की तरफ, है ना. तो चेंज इन वेलोसिटी क्या आएगी, चेंज इन वेलोसिटी आएगी वी फाइनल माइनस वी इनिशियल. सो व्हाट वुड बी द चेंज इन वेलोसिटी, 10 आई कैप माइनस 10 जे कैप, दिस मच इज़ द चेंज इन वेलोसिटी. ओके, कितना टाइम का चेंज हुआ, 2 सेकेंड्स. तो कहने का मतलब ये कि अगर आपको एक्सेलरेशन निकालना है तो चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम, तो आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं -5 i कैप -5 j कैप, ठीक है. आई बात समझ. तो बहुत आसान सवाल है, लेकिन बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी है ना. फर्स्ट पार्ट मैंने कर दिया, सेकंड पार्ट आपके लिए होमवर्क है, ट्राई करिएगा. यह टफ क्वेश्चन है, आसान नहीं है. प्रॉबेबली होता है ऐसा है कि पूरी 11th क्लास की फिजिक्स ख़त्म होने के बाद भी ये सवाल बच्चों से नहीं होता. सेकंड पार्ट ये अपने आप में बहुत टफ क्वेश्चन है. तो कहने का मतलब बहुत आसानी से हमने किया कि देखिए, अब मैं एक छोटा सा रिकैप दे देता हूँ. एक पार्टिकल है, वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, कॉन्स्टेंट स्पीड है 10, और 2 सेकेंड में सर्कल का क्वाड्रेंट कंप्लीट करता है फर्स्ट केस में, और सेकंड केस में 1/6 ऑफ सर्कल कंप्लीट करता है. तो आपको क्या करना है, एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है दोनों ही केस में. अब मेरा कहना ये कि एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम. तो बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं सर वेलोसिटी तो चेंज नहीं हो रही है ना. नहीं, ऐसा नहीं है, स्पीड चेंज नहीं हो रही है ना, वेलोसिटी तो चेंज हो ही रही है. यहाँ पर वेलोसिटी वाई एक्सिस के अलोंग है, यहाँ पर वेलोसिटी माइनस एक्स एक्सिस के अलोंग है. तो इनिशियल वेलोसिटी वाई एक्सिस के अलोंग है, तो ये उसका मैग्नीट्यूड हो गया, ये डायरेक्शन हो गया क्या, जे कैप. फाइनल वेलोसिटी माइनस एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया, ये क्या हो गया, डायरेक्शन हो गया, ठीक है. तो चेंज इन वेलोसिटी क्या आएगा, -10 i कैप -10 j कैप. तो कहने का मतलब चेंज इन वेलोसिटी क्या, चेंज इन वेलोसिटी -10 i कैप -10 j कैप. बाई टाइम से मैंने डिवाइड किया, तो एक्सेलरेशन कितना आया, -5 i कैप -5 j कैप, ठीक है. अच्छा, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट सा सवाल है, जो कि आपको काम आएगा ही आएगा इस साल. इन्होंने पूछा है कि फाइंड द नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल एज शोन इन फिगर, ठीक है. अब ज़रा देखिए, ये पार्टिकल है, इस पर 3 फोर्स लग रहे हैं, है ना. तो आप क्या करना है आपको कि नेट फोर्स निकालना है ना. तो मैं यहाँ पर इसका मेथड, मतलब एक से ज़्यादा मेथड से भी इस सवाल को किया जा सकता है, ठीक है. मैं आपको फिलहाल रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड बता रहा हूँ. जैसे मान लीजिए मैंने ये यहाँ पर x और y एक्सिस कंप्लीट किया, ये वाला एंगल कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री, है ना. अच्छा, अब ज़रा देखिए, ये वाला एंगल 120 डिग्री दिया हुआ है. अब ये 90 होगा, तो ये वाला एंगल कितना होगा, 30 डिग्री. फॉर द सेम लॉजिक ये वाला एंगल कितना होगा, 30 डिग्री. अब मैं क्या करता हूँ, F2 को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में तोड़ता हूँ, है ना.
तो आपको पता है F2 इधर की तरफ क्या होगा, 100 cos 30, ठीक है, और वर्टिकल डायरेक्शन में क्या होगा, 100 sin 30। उसी तरह से इस F3 को तोड़ता हूँ मैं, F3 का भी मैग्नीट्यूड कितना है, 100। अब ज़रा देखिए, F3 मतलब 100 cos 30 और इसका वर्टिकल कंपोनेंट ऊपर की तरफ आएगा F3 sin 30, ठीक है। अब ज़रा देखिए, 100 cos 30 से 100 cos 30 कैंसिल आउट हो गया, कैसे पता चला, मैं आपको एक दूसरा डायग्राम बना के दिखाता हूँ। अब मैंने इनका इनका कंपोनेंट कर लिया तो मेरे पास क्या बचा, मेरे पास बचा इधर की तरफ 100 cos 30, इधर की तरफ क्या बचा, 100 cos 30, ठीक है, ये एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे ऑपोजिट डायरेक्शन में। अच्छा, इसका वर्टिकल कंपोनेंट ऊपर की तरफ क्या है, 100 sin 30, और इस वाले फोर्स का ऊपर की तरफ वर्टिकल कंपोनेंट क्या है, वो भी है 100 sin 30, और नीचे फोर्स कितना है, 100। अब ज़रा देखिए, ये वाला फोर्स इस वाले फोर्स को कैंसिल आउट कर देगा। अब जो कुछ भी फोर्स बचा है, एक नीचे 100 न्यूटन है और ऊपर 100 sin 30, sin 30 कितना होता है, 1/2, इसका मतलब ये क्या आएगा, 50, और ये क्या आएगा, 50, चूँकि ये दोनों सेम डायरेक्शन में तो ऐड होंगे, 50 प्लस 50 क्या होगा, 100 होगा, तो 100 ऊपर और 100 नीचे, ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0। तो पार्टिकल पर नेट फोर्स 0 होने का मतलब होता है पार्टिकल कहाँ होगा, इक्विलिब्रियम में। थैंक यू।